गुरु मूर्त गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर आठ पै निरखत रहे गुरु मूर्त की यार। टीचर्स डे शिक्षक दिवस सदियों से भारत में गुरुकुल रहे हैं जहां शिष्य अपने गुरु को शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा देते थे, परंतु धीरे धीरे गुरुकुल परंपरा खत्म हो गई। मगर भारतवर्ष के आज़ाद होने पर भारत के समस्त गुरुजनों को सम्मान आदर भाव देने के लिए आज के दिन यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आओ जानने इस दिन के बारे में विस्तार पूर्वक। भारत के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह महान दिन मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तरुणताणी गांव मद्रास जिले के तमिलनाडु राज्य में हुआ। इनके पिता सर्वपल्ली वीराज स्वामी और माता सीता माया थी। डॉक्टर सर्वपल्ली बचपन से ही मेधावी छात्र थे और अपने समय के उच्च कोटि के शिक्षक बने। वे अपने छात्रों को उच्च नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देते थे। वे गंभीर से गंभीर विषय को सरल शैली में आसानी से समझा देते थे, इसीलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान के बाद राजनीति में भी उनका अच्छा योगदान रहा। संविधान सभा के सदस्य रहे और 1952 में उपराष्ट्रपति चुने गए और 13 मई 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनकी महान दार्शनिक व शिक्षक उपलब्धियों के लिए 1954 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1962 से भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इस महान शिक्षक को भारत सरकार ने बहुत सारे पुरस्कारों के साथ नवाजा और आखिर 17 अप्रैल 1975 चेन्नई तमिलनाडु में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। किड्स नॉलेज की संधु सिस्टर्स की तरफ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोटि कोटि नमन और विश्व के समस्त गुरुजनों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।